और जैसे मैंने आपको मेरे पिछली वीडियो में कहा था कि मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन अभी तक खत्म नहीं हुआ है, सो मैं आ चुका हूँ। वैसे इस रिसोर्ट का लोकेशन मुझे डिस्क्रिप्शन में डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मुझे जो पैकेज मिला है यहाँ पर, इट्स रियली लवली। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ इस रूम के सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन में, फॉर विच आई एम एक्साइटेड, और उसकी वजह से ये रूम इतना लग्जूरियस है। इतने कमीने होते दोस्त लोग, हम यहाँ पर कुछ स्नैक्स वगैरह खा लेंगे एंड देन इन द नाइट वी विल गो टू गज़ीबो ढाबा। What's up YouTubies, this is Shazib, welcome back to my channel CS Vlogs. Guys, आज है 31st of July और जैसे मैंने आपको मेरे पिछली वीडियो में कहा था कि मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन अभी तक खत्म नहीं हुआ है, सो मैं आ चुका हूँ लोनावला में एट दिस लवली प्रॉपर्टी फॉर अ स्मॉल स्टेकेशन। वैसे तो मैं यहाँ कल रात को ही आ गया था बट काफ़ी अंधेरा था तो मैं आपको क्या दिखा था? चलो कोई बात, स्टार्ट करते हैं वीडियो को इस रिसोर्ट के टूर से। सो जल्दी से मैं आपको एक छोटा सा टूर दे देता हूँ इस रिसोर्ट का और फिर टूर दूंगा मेरे रूम का। ओके गाइस, तो इस रिसोर्ट के लोकेशन से स्टार्ट करते हैं। राइट नाउ आई एम इन द मेन मार्केट ऑफ लोनावला और मेरे सामने कुमार रिसोर्ट है और ऑपोजिट टू कुमार रिसोर्ट इज अ रिसोर्ट वेयर आई एम स्टेइंग जिसका नाम है कृष्णाई रिसोर्ट। सो लेट्स गेट इनसाइड। वैसे इस रिसोर्ट का लोकेशन मुझे डिस्क्रिप्शन में डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि everyone knows कुमार रिसोर्ट और इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट है कृष्णाई रिसोर्ट। सो लेट्स गेट इनसाइड। तो जैसे ही हम अंदर जाते हैं, सो ऑल दिस एरिया जहाँ तक आपको दिख रहा है ये सब पार्किंग के लिए, एंड ऑन द राइट इज अ बिग गार्डन जहाँ से मैंने मेरे व्लॉग की शुरुआत की थी। सो दिस इज अ बिग गार्डन, यहाँ पर फैमिलीज इंजॉय कर सकती है, यू कैन हैव योर ओन चिलिंग टाइम ओवर हियर। अभी फिलहाल मैंने वाइट शूज पहने हैं तो मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ वरना लाल मिट्टी के दाग आ जाएंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं और जैसे ही हम गार्डन से आगे बढ़ते हैं तो दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ द होटल। ऑन द लेफ्ट इज अ रेस्टोरेंट, वहाँ पर मैं आपको बाद में लेकर जाऊँगा। ऑन द राइट इज अ गुड बिग स्विमिंग पूल। सो लुक एट दिस स्विमिंग पूल। काफ़ी बड़ा है स्विमिंग पूल बट ज़्यादा डीप नहीं है, सो इट्स रियली गुड फॉर किड्स एंड फॉर एडल्ट्स। तो स्विमिंग पूल में तो बाद में जाएंगे, अभी मैं आपको रेस्टोरेंट दिखा देता हूँ पहले यहाँ का। लेट्स गो क्योंकि खाना बहुत ज़रूरी है भाई। सो दिस इज़ द रेस्टोरेंट ऑफ द रिसोर्ट और अभी वक्त हो रहा है 4:45 और यहाँ पर हाई टी का टाइम चालू है अभी। एंड लुक एट दिस क्यूट रेस्टोरेंट, काफ़ी अच्छी सिटिंग एरिया है, इट्स कम्प्लीटली एयर कंडीशनड और यहाँ पर मेंटेनेंस का काम भी चल रहा है अभी। सो या दिस इज़ द लवली रेस्टोरेंट। और मुझे जो पैकेज मिला है यहाँ पर, इट्स रियली लवली, बट मैं आपको मेरे पैकेज रेट्स वीडियो के एंड में बताऊँगा। सो अभी जाते हैं रिसेप्शन पे एंड देन आई विल गिव यू अ रूम टूर, लेट्स गो। सो रेस्टोरेंट से निकलते ही यहाँ पर स्विमिंग पूल और यहाँ पर है हमारा रिसेप्शन, लेट्स गेट इनसाइड। ओके गाइस, एज यू एंटर ओवर हियर यू हैव अ शू पॉलिश मशीन और यहाँ से दिखता है हमें पूल का लवली व्यू एंड दिस इज़ द रिसेप्शन डेस्क। फिलहाल वो लोग बिजी है सो मैं उनसे बाद में बात कराता हूँ। एंड लुक एट द रिसेप्शन अराउंड, इट्स क्वाइट बिग, काफ़ी बड़ा एरिया है और यहाँ पर बुकिंग ऑफिस है फॉर फंक्शंस एंड मीटिंग्स एंड ऑल, और यहाँ पर दो बड़े कॉन्फ्रेंस रूम्स हैं, इट इज़ ओवर हियर, वॉलनट 1 ओवर हियर एंड वॉलनट 2 ओवर हियर। लुक एट दिस प्लेस एंड लुक एट दिस प्लेस, फिलहाल यहाँ पर कुछ देर में एक कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाला है तो बस उसी का अरेंजमेंट यहाँ पर चालू है। और सी द प्रोजेक्टर, द माइक, द बोर्ड, द वाटर बॉटल्स, द टेबल, ऑल क्लीन। अब मैं आपको ले चलता हूँ दूसरे कॉन्फ्रेंस एरिया में। सो दिस इज वॉलनट 2, ये फिलहाल फ्री है बट यहाँ पर भी सुबह में कॉन्फ्रेंस चल रहा था। सो यू कैन सी द लाइट्स, द बोर्ड, द अरेंजमेंट ओवर हियर।
सो जिन लोगों को यहाँ पर अपनी कॉन्फ्रेंस मीटिंग करनी है वो भी यहाँ पर आ सकते हैं। अब मैं आपको ले चलता हूँ मेरे रूम में टू गिव यू अ नाइस रूम टूर, लेट्स गो। सो पीछे मेरा रूम है तो अब मैं आपको ले चलता हूँ रूम के अंदर एंड लेट मी गिव यू क्विक टूर ऑफ माई लग्जूरियस रूम। लेट्स गेट इनसाइड। तो सबसे पहले अंदर आते ही आपको मिलता है एक अच्छा सा सेंटर टेबल विद टू नाइस चेयर्स एंड द कलर कॉम्बिनेशन इज रियली गुड, डार्क ब्राउन लाइट ब्राउन, ये मुझे बहुत पसंद आया। आइए अंदर आए और ये है हमारा लग्जूरियस एंड स्पेशियस रूम। ये लग्जूरियस क्यों है ये मैं आपको जल्द बताऊंगा। यहाँ पर है हमारा खूबसूरत सा एक डबल बेड, यहाँ पर है हमारा एक छोटा सा मिनी बार फ्रिज, अंदर मेरा सामान पड़ा हुआ है, ये है फोन रिसेप्शन में कॉल करने के लिए, हेलो हेलो 123 123, ये है टीवी के रिमोट और ऑपोजिट टू द बेड इज अ नाइस बिग टीवी, इसमें सेट टॉप बॉक्स का कनेक्शन है और यहाँ पर है हमारे विंडोज, बट विंडो में कुछ व्यू नहीं है तो ये मैं ऐसे ही रहने देता हूँ क्योंकि हमारा रूम फर्स्ट फ्लोर पे है। और हाँ यहाँ पर एसी भी है, सो यू सी इट्स रियली कंफर्टेबल, इट्स रियली नाइस, द बेड इज रियली कूल, सो काफी अच्छा रूम है। अब आप देख रहे होंगे कि मेरे रूम के अंदर भी एक दरवाजा है, बट ये दरवाजा मैं आपको आखिर में बताऊंगा, बट वॉशरूम भी इसके अंदर ही है तो पहले वॉशरूम देख लेते हैं। अच्छा तो अंदर आते ही हमें मिलता है अच्छा सा कबर्ड, इट्स रियली गुड फॉर थ्री पीपल, लेट मी शो यू, इट्स रियली स्पेशियस एंड गुड फॉर थ्री पीपल। अभी थोड़ा मेस्ड अप है क्योंकि मेरा सामान पड़ा हुआ है अंदर, सो इसे बंद कर देते हैं। इस तरफ है कबर्ड और उस तरफ है मिरर, बट मैं मिरर में अभी नहीं जा सकता हूँ क्योंकि मेरे पीछे कुछ स्पेशल है और वो स्पेशल चीज मिरर में से दिख जाएगी जो मुझे आपको आखिर में बतानी है। ये है हमारे वॉशरूम का दरवाजा, तो जैसे ही हम वॉशरूम का दरवाजा खोलते हैं तो यहाँ पर है हमारा वॉशरूम एरिया और ऑन द लेफ्ट यहाँ पर है हमारा बेसिन विद अ बिग नाइस प्लेटफॉर्म, अ नाइस मिरर ओवर हियर, यू सी यहाँ पर टॉवल हैंगिंग के लिए सेक्शन है, हियर आर द लाइट स्विचेस, यहाँ पर हैंड वॉश दिया हुआ है, कुछ टॉयलेट्रीज मेरी पड़ी हुई है, हियर इज द वॉशरूम एरिया एज आई सेड, यहाँ पर हैंड शावर है एंड दिस इज द शावर एरिया, इट्स क्वाइट बिग, काफी स्पेशियस है, there's the shower, there's the tap, bucket, all इन्होंने shampoo और moisturizer भी दिया है, here you can hang your clothes, so it's really good, it's a really good space, अब आप यहाँ से देखोगे तो it's really big, good, अच्छा है। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ इस room के सबसे important section में for which I am excited और उसकी वजह से ये room इतना luxurious है। So guys, ये है इस रूम का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन बिकॉज यहां पर है हमारा जकूजी। सो यहां पर है स्टेयर्स विच गोज अप टू आवर जकूजी, दिस इज अ बिग जकूजी एनफ फॉर 2 to 3 people आई गेस। यहां पर है हमारे टैप्स गर्म पानी के लिए, ठंडे पानी के लिए और यहां पर है हमारे बबल शावर, यहां पर है कवर्ड जो मैंने आपको पहले बताया था, यहां है मिरर, इसलिए मैं मिरर में पहले नहीं जा रहा था क्योंकि जकूजी यहाँ से दिख जाता है। सो दिस इज द रीजन व्हाई दिस रूम इज सो लग्जूरियस। सो इफ यू सी जितना दूसरी होटल्स में रूम होता है उतना तो इसका सिर्फ जकूजी का सेक्शन है, इज इन दिस लवली, सो दिस इज द रीजन व्हाई आई वाज कॉलिंग दिस रूम सो लग्जूरियस। और यहाँ पर लाइट्स की जरा भी कमी नहीं है, आपको फोटो शूट करना है रूम के अंदर या मेरे जैसा यूट्यूब का वीडियो रिकॉर्ड करना है आप कर सकते हो, इस जकूजी के मजे आज रात को लिए जाएंगे। सो ये है हमारा बिग साइज मिरर, यहां पे आप टिकटॉक भी बना सकते हो पर बताना मत किसी को। हियर इज अ गुड ड्रेसिंग टेबल एंड जस्ट हैव अ लुक एट दिस जकूजी सेक्शन। वैसे यहां पर विंडोज तो है बट व्यू कुछ अच्छा नहीं है बिकॉज एज आई सेड कि ये रूम फर्स्ट फ्लोर पे है। सो दिस वॉज अ स्मॉल लवली टूर ऑफ माई लग्जूरियस रूम। अब बात करते हैं इसके रेट्स की, मुझे जो प्राइस में ये होटल का रूम मिला है वो मैं आपको ट्रिप के आखिर में बताऊंगा, सो स्टे ट्यून्ड एंड कंटिन्यू वॉचिंग द वीडियो। ओके सो अभी हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए क्योंकि बहुत भूख लगी है और लंच के लिए हम बहुत लेट हैं, सो लेट्स गो। और गाइस लोनावला में ये स्नैक स्पॉट बहुत अच्छा है, यहाँ पर शाम के टाइम पे काफ़ी क्राउड भी होता है और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, सो
सो शाम को यहाँ पर आएंगे अगर भूख लगी तो, लेट्स या रात को डिनर यहीं कर लेंगे। यहाँ पर चीज़ भजिया, भेल, जूस, फ्रैंकी, पिज़्ज़ा, सैंडविच, रोल्स सब मिलता है। सो या चलो अभी जाते हैं रेस्टोरेंट में। सो ये है रामाकृष्णा होटल और दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्लेस टू हैव वेज फूड एंड साउथ इंडियन फूड। लेट्स गेट इनसाइड। गाइस मैं जो दोस्तों के साथ लोनावला आया हूँ वो बहुत शर्मा रहे हैं कैमरे के सामने आने के लिए, पर साले बोलते हैं कि जब तू फेमस हो जाएगा तब कैमरे में आएंगे। इतने कमी नहीं होते दोस्तों के। ओके गाइस सो देयर इज अ चेंज इन प्लान। अगर अभी रामाकृष्णा में खाना खा लेंगे तो बहुत हैवी हो जाएगा और फिर रात को हमें गजीबो ढाबा जाना है एंड इट्स ऑलमोस्ट 5:30 नाउ, तो हम लोग वहाँ पर लंच नहीं कर रहे हैं। और वो जो मैंने स्पॉट आपको बताया था वेरी फेमस, हम यहाँ पर कुछ स्नैक्स वगैरह खा लेंगे एंड देन इन द नाइट वील गो टू गजीबो ढाबा। सो या दैट्स द प्लान फॉर नाउ। तो चलो कुछ ऑर्डर करते हैं और खा लेते हैं क्योंकि बहुत भूख लग रही है। रात के 12:15 बज रहे और मैं अभी जा रहा हूँ गजीबो डिनर करने के लिए। मेरे दोस्त लोग ऑलरेडी वहाँ पहुँच गए हैं और मैं बहुत लेट हो गया हूँ, दे आर वेटिंग फॉर मी। तो मैं पहले वहाँ पहुँच जाता हूँ और शायद मैं वहाँ पर ज़्यादा व्लॉग नहीं करूँगा क्योंकि बहुत लेट हो चुका है। तो या बट मैं जो ऑर्डर करूँगा वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा एंड लेट्स सी खाना कैसा है गजीबो का। लोनावला वाली गजीबो में मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, सो लेट्स ट्राई द फूड ओवर देयर, लेट्स गो। सो पीछे मेरे गेट का रिसॉर्ट है और कुमार रिसॉर्ट, और यहाँ पर ही गजीबो ढाबा खुला है नया। सो चलते हैं, अभी बहुत लेट हो चुका हूँ मैं, दे आर वेटिंग फॉर मी सिंस व्हेन। ओके सो दिस इज द ढाबा। आई जस्ट शो यू अराउंड अ बिट। सो ये मॉकटेल काउंटर है और यहाँ से भी एंट्री है और ये लॉन एरिया है बाहर का गजीबो ढाबा का, और वहाँ पर कुमार रिसॉर्ट का स्विमिंग पूल है और हुक्का पीने के लिए वहाँ पर अलग से सेक्शन है। अभी मेरे दोस्तों ने कुछ ऑर्डर तो कर दिया है तो जाकर खाने का ही ऑप्शन है, अपन कुछ और ऑर्डर नहीं कर सकते क्योंकि उन लोगों ने बहुत ऑर्डर कर दिया। सो खाना आ ही गया तो जाके आज अगला दिन है एंड इट्स टाइम टू से बाय टू दिस लवली प्रॉपर्टी। सो या इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया फॉर वॉट एवर रीजन, सो गिव इट अ लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड कमेंट ऑन योर थॉट्स बिलो। एंड रिमेंबर, यू डोंट लिव वंस, यू ओनली डाई वंस। सो गाइस ट्रिप तो हो गई और मैं घर वापस भी आ गया और फाइनली मेरे बर्थडे का सेलिब्रेशन अब खत्म हुआ है। तो अब बात करते हैं रेट्स की। एक्चुअली ये पर मुझे कब से रिकॉर्ड करना था, बट जब मैं घर रिटर्न आया तो इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था, लाइटिंग का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था। खैर कोई बात नहीं, तो बात करते हैं अब पैसे की। तो हम पहुंचे थे लोनावला सैटरडे नाइट, और लोनावला में वीकेंड्स में होटल्स और रिसॉर्ट्स के रेट्स काफ़ी हाई हो जाते हैं, आपको पता ही होगा। बट हम जिस रिसॉर्ट में इस बार गए थे लकीली हमें उसमें काफ़ी अच्छे रेट्स मिल गए, और पहले भी मैं ये रिसॉर्ट में एक दो बार रुक चुका हूँ और काफ़ी अच्छे रेट्स मुझे मिले हैं। दूसरे रिसॉर्ट्स और होटल्स में जो जकूजी वाले रूम होते हैं और लोनावला में खास करके, वो भी वीकेंड के टाइम पे कम से कम 10,000-15,000 तो होते ही है। और लास्ट टाइम जब मैं डेलास में गया था तो डेलास में तो काफ़ी एक्सपेंसिव प्राइस थे रूम के, और वो भी जकूजी वाला तो और एक्सपेंसिव था। क्योंकि हम ज़्यादा लोग थे तो मैंने सिर्फ ये जकूजी वाला रूम नहीं लिया था, हमने दूसरे रूम्स भी लिए थे नॉर्मल कैटेगरी वाले, बट हमने सारे रूम का पेमेंट उनको साथ में दिया। और ये जो जकूजी वाला रूम था उसका प्राइस मुझे अप्रॉक्सीमेटली पड़ गया 5,000 rupees पर नाइट। कैन यू बिलीव इट, 5,000 rupees पर नाइट में मुझे मिल गया जकूजी वाला रूम इन लोनावला, वो भी सैटरडे नाइट को। लोनावला में जब हम वीकेंड्स पे दूसरे रिसॉर्ट्स और होटल्स में जाते हैं तो 5,000 rupees तो नॉर्मल रूम का हो जाता है खाली,
और यहाँ पर मुझे जकूजी वाला रूम मिला था, लाइक कैन यू बिलीव इट। सो आई वॉज वेरी हैप्पी विद दिस डील और मेरा बर्थडे तो बहुत अच्छा सेलिब्रेट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये वीडियो आने में थोड़ा देर हो गया था क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज चल रहे थे, बट कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त है। सो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज गिव इट अ लाइक, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड कमेंट डाउन योर थॉट्स। एंड रिमेंबर, यू डोंट लिव वंस, यू ओनली डाई वंस।